हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले इस माइक्रोफोन के बारे में, क्योंकि वायरलेस माइक्रोफोन है और इसका मॉडल में AWM495VL, क्योंकि आप लोग ये देख सकते हैं, और अहूजा का यह माइक्रोफोन है। सो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे कि कैसा माइक्रोफोन है, क्योंकि यह मीटिंग वगैरह में, कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह में आपको काफ़ी अच्छा यह माइक्रोफोन है उसके लिए। और आज के इस वीडियो में हम इसका प्राइस बताएंगे कि अभी रिसेंट में कितना प्राइस है इस माइक्रोफोन का। तो बने रहे इस वीडियो में, चलिए ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। सो ये आप देख सकते हैं। सो हम लोग को यूज़ करते एक से डेढ़ महीना हो गया इस माइक्रोफोन का। सो इसके पहले ऊपर में परत एक पॉलिथीन का था, यानी कि एक कार्डबोर्ड था। सो उसके बाद था ये सब। सो पहले हम लोग बात करें इस वायरलेस माइक की, तो आप लोग इसका क्वालिटी देख सकते हैं वायरलेस माइक का, क्योंकि इसमें एक बटन दिया गया है और साइड में क्लिप है जो कि ये कान में लगाने के लिए। सो अभी हम आपको इसको लगा कर दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप सा लगता है, और यह काफ़ी लचीला होता है इसका, ये जो कि आप जिधर साइड मूव कीजिएगा उधर साइड ये मूव हो जाएगा माइक, क्योंकि आप लोग ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आप लोग यूज कर सकते हैं, या फिर आप कॉलर के पास भी इसको लगा सकते हैं और माइक जो है इसका ऊपर फेस की ओर मूव कर सकते हैं, जो कि दो तरीका से लगाया जाता है। सो ऐसे ही बेटर रहता है। सो कुछ इस टाइप सा यह माइक्रोफोन था, और इसका जैक जो कि आप लोग ये देख सकते हैं, इसका जैक है कुछ इस टाइप सा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को एक और माइक मिलता है इसमें, जो कि कॉलर पे आप यूज कर सकते हैं, जो कि इसमें भी कैप लगा हुआ है इस माइक्रोफोन में, लेकिन ये भी अहूजा का ही है, क्योंकि दो माइक मिलता है हम लोग को। और इसका पिन है जो कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये इसका 5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। सो ये बात करें अडेप्टर की, तो इसका अडेप्टर है जो कि आप लोग ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप सा है अहूजा का। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके वो छोटा वाला रिसीवर के बारे में। सो ये आप देख सकते हैं रिसीवर, जो कि अहूजा का ही है, और AWM495VL जो कि उसका मॉडल है। और यह रहा इसका स्विच ऑन ऑफ का, और यहाँ पे माइक का जो पिन है वो इन होगा, और इसका वॉल्यूम है जो कि आप लोग जितना तक रख सकते हैं। इसे आप पॉकेट या फिर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, बेल्ट वगैरह कहीं पर भी आप इन कर सकते हैं, और वायरलेस माइक का वायर इसमें इन करके आपको यह रेडी हो जाएंगे, जो कि कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम आपको बैटरी लगा के दिखाते हैं कि कैसा क्या है बैटरी, कैसे लगता है इसमें। सो ये आप लोग देख सकते हैं डोरासेल का बैटरी है। सो इसको पहले ओपन करके माइनस प्लस देख के आप लोग को यूज करना है, जो कि उल्टा हो जाएगा तो लाइट ही नहीं आएगा, यानी कि लाइन ही नहीं आएगा इसमें। तो कुछ इस टाइप सा बैटरी लगता है इसमें। और ये है इसका पावर ऑन ऑफ स्विच, जो कि आप लोग ये देख सकते हैं ऑन हो गया है माइक। एंड इसके बाद हम लगा के आपको दिखाते हैं माइक को, यानी कि उस माइक का वायर। सो ये आप देख सकते हैं, जो कि माइक का वायर जो है इसमें इन हो जाएगा, या फिर ये माइक या फिर जो कॉलर के पास था वो माइक, दोनों में से कोई भी एक माइक आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम में एक ही माइक यूज होगा, वो एक्स्ट्रा के लिए है। बाय द वे अगर कुछ फॉल्ट हो जाए तो आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। सो चलिए अब हम लोग बात करें रिसीवर की। तो आप लोग ये रिसीवर देख सकते हैं इसका, जो कि बड़ा लेटर में अहूजा लिखा हुआ है, और ये रहा इसका पावर ऑन ऑफ स्विच, एंड ये है इसका वॉल्यूम, यानी कि चैनल वन का वॉल्यूम, जो कि जितना पे आप यूज कर सकते हैं। सो बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो ये जो माइक है आपको 3800 से 3900 के आसपास मिल जाएंगे मार्केट में। सो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर किसी चीज़ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा न्यू वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए।